बाबर आजम केवल 271 पारियों में 10,000 के आंकड़े को पार कर जाते हैं और ये कमाल होता है, कमाल धमाल सब रहता है। बाबर आजम ने तोड़ दिया T20 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, बना डाले सबसे तेज 10,000 रन। गेल और कोहली का महा रिकॉर्ड किया चकनाचूर। जी बाबर आजम का जो आज एक माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिया है, फास्टेस्ट टू 10,000 T20 रन, हमने वहां पर क्रिस गेल इवन विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। बाबर आजम ने आज एक बार फिर से बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। बाबर ने T20 क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। वो सबसे तेजी से इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले बल्लेबाज है जिस तेजी से बाबर आजम ने 10,000 रन पूरे किए हैं। लाहौर में अगर बर्नोल हो तो आप दिल्ली भिजवा दें, क्योंकि विराट कोहली के फैंस की जबरदस्त तरीके से जली है। दोस्तों जैसे कि आपने हाईलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम फुल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। कल जब बाबर आजम ने तेज रन 10,000 रन का क्रिस गेल और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, भारतीय मीडिया और फैंस की जानिब से सवालात खड़े किए गए कि बाबर आजम ने कम स्ट्राइक रेट और कमज़ोर टीमों के खिलाफ ये रन बनाए हैं। हकीकत में ये है कि बाबर आजम के इस रिकॉर्ड के बाद भारतीय मीडिया और क्रिकेट फैंस बुखला चुके हैं। तो मजीद हम देखेंगे भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है, तो आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। लेकिन बाबर आजम अपनी डिलीवरी जो है वो जरूर कर रहे हैं और बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। वो सबसे कम पारियों में 10,000 रन बनाने वाले प्लेयर हो गए। साथ ही बाबर आजम T20 क्रिकेट में यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं। जितनी पारी में उन्होंने 10,000 रन बनाए हैं उतने में किसी ने नहीं बनाए हैं, जबकि इसमें तमाम दिग्गजों का नाम है, जॉस बटलर, एरॉन फिंच, डेविड वार्नर, विराट कोहली, क्रिस गेल, लेकिन इन सबसे बेहतर बाबर आ गए। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये पाटा पिच पर पाकिस्तान के हाईवे पर उन्होंने रोलर कोस्टर चलाया है, बट अगेन 10,000 रन मैटर्स और इसलिए बाबर को क्रेडिट तो जाएगा चाहे वो जैसे बने। जॉस बटलर ने 350 पारियां खेली, एरॉन फिंच 327, डेविड वार्नर 303, विराट कोहली दी ग्रेट ने 299, क्रिस गेल 285, लेकिन बाबर आजम केवल 271 पारियों में 10,000 के आंकड़े को पार कर जाते हैं और ये कमाल होता है, कमाल धमाल सब रहता है। हालांकि बाबर का कमाल फ्लॉप इसलिए हो जाता है क्योंकि सामने कैरम बाबर आजम ने तोड़ दिया T20 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, बना डाले सबसे तेज 10,000 रन। गेल और कोहली का महा रिकॉर्ड किया चकनाचूर। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने इतिहास रच दिया है। बाबर ने T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए। यही नहीं, बाबर T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने क्रिस गेल और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया है और ये बड़ा मुकाम हासिल किया है। दोस्तों बाबर ने पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL 2024 के अपने छठे मैच में पेशावर जालमी की ओर से खेलते हुए कराची किंग्स के खिलाफ शानदार अर्धशतक जड़ा और T20 क्रिकेट में 10,000 रन की बड़ी अचीवमेंट अपने नाम की है। बाबर ने 271वीं पारी में 10,000 रन का आंकड़ा छुआ है। बाबर से पहले T20 में सबसे तेज 10,000 रन का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। क्रिस, स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर, मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे विराट कोहली और बाबर आजम के बारे में। आप कह सकते हैं एक वर्ल्ड क्रिकेट का किंग है और आप कह सकते हैं दूसरे छोर पर है पाकिस्तान के जो फैंस होते हैं वो बाबर को अपना किंग मानते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि भाई विराट कोहली इज द ओरिजिनल किंग। अब देखिए एज इट इज कंपैरिजन करना तो दोनों के लिए वो अनफेयर होगा, बाबर आजम पर भी और विराट कोहली पर भी। बाबर आजम ने पहले भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि इस चीज को बोला है कि आई एडमायर विराट कोहली एंड वो उनसे कंपैरिजन नहीं बनता, एंड सिमिलरली विराट कोहली ने भी काफी अप्रिशिएट करा है बाबर आजम को, एक समय ये भी कहा था कि इज वन ऑफ द टॉप बैटर्स और वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, लोग वैसे ही वो फैन वॉर क्रिएट करने लग जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में, क्योंकि देखिए बाबर आजम का जो आज एक माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिया है, फास्टेस्ट टू 10,000 T20 रन्स, ओवरऑल T20 रन्स, चाहे फ्रेंचाइजी क्रिकेट और आप इंटरनेशनल क्रिकेट को सारा एग्रीगेट करके जो आंकड़ा सामने आया है, बाबर आजम ने वहां पर क्रिस गेल इवन विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। ही इज द फास्टेस्ट टू 10,000 T20 रन्स। लेकिन बाबर आजम ने आज एक बार फिर से बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। बाबर ने T20 क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। वो सबसे तेजी से इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले बल्लेबाज है। जिस तेजी से बाबर आजम ने 10,000 रन पूरे किए हैं उसी तेजी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सुपर बाबर की उपलब्धि पर बात कर लेते हैं तो देखिए भैया, सबसे कम इनिंग्स में जो है बाबर ने 10,000 रन पूरे कर लिए। बाकी बल्लेबाज किनका रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, उन्होंने क्रिस गेल का, यूनिवर्स किंग जिसको कहते हैं, यूनिवर्स बॉस जिसको कहते हैं क्रिस गेल,
गेल उनका रिकॉर्ड तोड़ा। पहले ये रिकॉर्ड फास्टेस्ट 10,000 रन सबसे कम इनिंग में जो रिकॉर्ड था वो क्रिस गेल के नाम पे था। बाबर ने केवल 271 इनिंग्स में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए। वही यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को 285 इनिंग्स लगे थे। उससे पहले विराट कोहली का देखेंगे तो विराट कोहली ने 299 इनिंग्स में मतलब करीब करीब 300 इनिंग्स में अपने 10,000 रन पूरे किए थे। वहीं डेविड वार्नर जो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है उन्होंने 303 इनिंग्स में 10,000 रन पूरे किए थे। तो ये टेबल तो ये चार्ट तो साफ साफ बताता है कि बाबर आजम बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट बैटर है और उसी का रिवार्ड उनको जो है मिला है। लाहौर में अगर बर्नोल हो तो आप दिल्ली भिजवा दें क्योंकि विराट कोहली के फैंस की जबरदस्त तरीके से जली है। आज बाबर आजम ने सबसे तेज जो है उन्होंने 10,000 T20 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 271 इनिंग्स में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। क्रिस गेल के फैंस को इतना बुरा नहीं लग रहा है जितना विराट कोहली के फैंस को बुरा लग रहा है। तो बकना वही शुरू, ये गेंदबाज, वो लीग, ये स्ट्राइक रेट, ये तमाम चीजें, ठीक है। 44 का एवरेज है। 10,000 T20 रन बनाने वालों में बाबर आजम सबसे आगे है। एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, 44 का एवरेज है और 129 का स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट पर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है तो थोड़ा एवरेज पर भी चले जाया करो। मतलब कि ऑन एन एवरेज हर मैच में बाबर आजम 44 रन बना के आते हैं। और कोहली फैंस जिनके अब्बू हैं विराट कोहली, इसके लिए 285 पारियों में ये कारनामा किया था। बाबर 10,000 T20 रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले ये कारनामा पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज शोएब मलिक ने किया था, 13,106। ये आंकड़ा याद रख लीजिए। बाबर T20 में सबसे ज्यादा शतक के मामले में गेल के बाद दूसरे खिलाड़ी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने PSL में 3,000 रन भी पूरे कर लिए। ये बड़ा आंकड़ा उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। PSL में कोई और बल्लेबाज अभी 2,500 रन भी नहीं बना पाया। बाबर ने यहाँ पर भी चौका लगाया है। पाकिस्तान की इस लीग में 30 बार 50 प्लस का स्कोर बनाया, सबसे ज़्यादा 50 प्लस का स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज का नाम भी बाबर आजम है। ये खिलाड़ी 2017 से 2022 तक कराची किंग्स के लिए खेला था। बाबर आजम इस फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज़्यादा रन भी बना चुके हैं। 2000 इस फॉर्मेट में बाबर तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ कोहली है 4037 के नंबर्स के साथ। 10,000 रन, फास्टेस्ट 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का। देखिए मुझे लगता है बाबर आने वाले टाइम में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी हो जाएंगे। 14,000 से थोड़े से ज्यादा रन क्रिस गेल के, लेकिन गेल का जो है करियर वो हो गया है ओवर। और पोलार्ड वगैरह भी आगे है, विराट भी आगे है, शोएब मलिक भी आगे है, जेम्स विंस भी शायद आगे है। तो ऐसे बल्लेबाज कुछ बल्लेबाज हैं आगे बाबर से, डेविड वार्नर भी है, लेकिन इनमें से ज्यादातर का जो करियर है वो आखिरी पड़ाव पे है। लेकिन मुझे लगता है बाबर आजम कम से कम 8 से 10 साल अभी और खेलेंगे तो वो 10,000 रन का जो उनका आंकड़ा है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 17,000-18,000 रन या हो सकता है 20,000 रन तक भी पहुंच जाए। आपको क्या लगता है बाबर आजम अपने करियर में कितने रन बनाएंगे T20 करियर में, जिसमें कि T20 इंटरनेशनल और T20 डोमेस्टिक यानी कि लीग्स वगैरह भी शामिल होते हैं। लेकिन अब अलग अलग आप कह सकते हैं कि सेक्शंस में डिवाइड करके वो सारा एनालिसिस करेंगे T20 का बॉस कौन, या फिर आप कह सकते हैं T20 में वो नंबर्स किस तरीके से दिखते हैं। विराट कोहली के नंबर्स की बात करेंगे, बाबर आजम के नंबर्स की बात करेंगे। और देखिए हमेशा ना स्टैट्स वो चीज बयान नहीं करते कि जैसे हम मानते हैं कि आपके रन है, इंपैक्टफुल रन कितने हैं, टीम के विनिंग कॉज में कितने वो रन आ रहे हैं, बड़ी स्टेजेस पर आपने किस तरीके से डिलीवर करा। शायद उन्हीं पैरामीटर्स पर, उन्हीं पैमानों पर विराट कोहली बाकी सभी खिलाड़ियों से, नॉट ओनली बाबर आजम, काफी आगे निकल जाते हैं इस फॉर्मेट में। चाहे आप लीग क्रिकेट की बात कर लीजिए और चाहे आप T20 इंटरनेशनल्स की बात कर लीजिए। वर्ल्ड कप में विराट कोहली इज अ डिफरेंट बीस्ट, एवरीवन नोज दैट। लेकिन इसमें इस चीज को आप पीछे नहीं छोड़ सकते कि बाबर आजम भी मॉडर्न डे इज वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स। उनके स्ट्राइक रेट का एक मसला रहा है जो उनको हॉन्ट करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बाबर आजम के अगेंस्ट कुछ भी कुछ बोलना हो तो आप सिंपल से कहते हैं उनका एवरेज 41 का है। 41 का मतलब कि विराट कोहली 41 रन बनाता है अमूमन हर मैच में, हर T20 मैच में, और बाबर आजम अमूमन 44 रन बना के आता है, 3 रन बाबर आजम आगे है। अब ये बात आपको नहीं बताएगा, ये बात छिपा लिया जाएगा, है ना, स्ट्राइक रेट को बता के जो है छिपा लिया जाएगा। अच्छा, स्ट्राइक रेट की भी मैं बात करूँ ना तो टॉप 10 में जो है ना 4 एशियन प्लेयर है, एक शोएब मलिक, बाबर आजम, रोहित शर्मा, विराट कोहली। इन चारों का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा नीचे है और सबसे ज्यादा ऊपर जो है ना वो करन पोलार्ड और जो बाहरी प्लेयर है ना उनके है।
तो मतलब किस मुंह से तुम मजाक उड़ा रहे हो बाबर आजम का, किस मुंह से उड़ा रहे हो? तुम्हारे तुम्हारे जो क्या कहेंगे, जिनको अब्बू बनाया, जिनको लगता है कि भाई ये सूर्य कुमार यादव की तरह बल्लेबाजी करता है, इनका स्ट्राइक रेट मैं आपको बताता हूँ। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट कितना है? 133 का है।